आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता के खिलाफ ग्रामीण हुए गोलबंद। धनबाद के बलियापुर प्रखंड स्थित डांगापाड़ा से हवाई पट्टी तक आरयू विभाग द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा है। उक्त सड़क डांगापाड़ा से बागमाड़ा होते हुए हवाई पट्टी तक जाएगी, जिसमें घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। विगत एक सप्ताह से ग्रामीण एस्टीमेट दिखाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन संवेदक द्वारा एस्टीमेट नहीं दिखाया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में जोड़ियों के बालू सड़ी हुई है, पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान गॉडवेल भी शामिल है, जिसमें भी सड़ी हुई पत्थरों एवं जोड़ियों के बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सीमेंट की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जुड़ाई के लिए बनाई गई मसाले पी सही से नहीं बनाया जा रहा है। इसका पुरजोर विरोध स्थानीय ग्रामीणों ने किया एवं कार्य को ठप्प किया। जानकारी मिलते ही बागमाड़ा पंचायत के मुखिया संजीव गोराई एवं पंचायत समिति सदस्य डीजेन गोराई मौके पर पहुंचे। वहीं सूत्रों की माने तो लगभग 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण किया जा रहा है। धनबाद से अजित कुमार की रिपोर्ट। क्या क्वेश्चन है सर? आज जनता विरोध कर रही है, क्यों कर रही है? यहाँ मुखिया भी पहुँचे हुए हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? काम सही है, कहीं कहीं प्रॉब्लम आया तो। अच्छा, बालू कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये पंचायत साइड से आता है सर। साइड से जोड़िया का या नदी का? अब वो बालू वाले ला के दे देते हैं, बालू फ्रेश होता है। आप जब देख रेख कर रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है? तो सर बालू जहाँ से लाते हैं हम लोग बोलते हैं ठीक है, बालू हम लोग ठीक है। मतलब क्या, कहाँ का ठीक है? तो कहाँ का बालू है? पीछे से इधर से ही आता है। इधर से कहाँ, खेत से आता है? यहाँ जोड़िया है, बड़ा जोड़, बढ़िया बड़ा जोड़ आपका पंचायत के साथ आता है। जोड़िया का बालू है, बंद किया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो रोड डांगापाड़ा से लेकर हवाई पट्टी तक, ये रोड का बहुत प्रयास करने के बाद इसका सेंक्शन हुआ है। हम तो चाहते हैं, हम पहले भी उन लोग को बोले, जो हमसे जितना सहयोग होगा आपको देंगे, लेकिन रोड पर कमी कुछ चीज़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा रोड है, हम चलेंगे, आप काम करा के जाइएगा, उसके बाद कहाँ पता कुछ नहीं, जो झेलना पड़ेगा हम लोग को पड़ेगा। तो उनको हम बार बार भी बोले, देखिए काम आप अच्छा से कीजिए, काम खराब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, काम अच्छा से कीजिए, रोड बढ़िया से कीजिए, जितना सहयोग होगा पब्लिक का हम खड़ा होकर आप लोगों को काम करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप इस्टीमेट के अनुरूप काम कीजिए, जनता के सामने रख के काम कीजिए, ये मेरा दायित्व है, जो आप लोग काम अच्छा से कराइए। अगर अच्छा से नहीं काम होगा तो ये काम हम लोग बंद कराएंगे और खड़ा होकर काम कराएंगे। ये जो गढ़वाल बन रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए गढ़वाल हो रहा है, गढ़वाल तो इसके पहले कुछ दिन जब शुरू किए थे तब हम आए थे, तो नीचे पीसीसी थोड़ा कम दे रहा था, तो भोलानाथ दास भी थे, हम यहाँ पर खड़े थे तो देखे जो कम दिया, तो आपको बोला जो ये जो नीचे पीसीसी दे रहे हैं क्या, कितना इंच का है? तो बोला 8 इंच का, तो देखे वो 8 इंच नहीं दे रहा था, उसको उठा के हम लोग 8 इंच करवाए, उसको गार्डवॉल करवाए उन दिन। इस बीच में एस्टीमेट की जांच किया आपने? नहीं, एस्टीमेट का जांच लोगों को बोले थे, एस्टीमेट लाके दिखा दीजिएगा पब्लिक के सामने और एस्टीमेट के अनुरूप आप काम कीजिए। तो फिर 8 इंच का जब जिक्र आ रहा है, क्या एस्टीमेट में 8 इंच है? ये हमें मालूम नहीं है, वही लोग बोला जो 8 इंच का। संवेदक का नाम क्या है? संवेदक का नाम सम्राट चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं वो? धनबाद के साथ रहने वाले हैं। और ठेकेदार कौन? उनको हम उनसे बात, वही सम्राट के उनसे हम फोन पर बात भी की, जो आप आइए और जो आपका समस्या है, अगर काम करने की कुछ समस्या है हम आपको सहयोग करेंगे, लेकिन रोड पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जो आप रोड खराब करके यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो यहाँ देख रेख कर रहे हैं मुंशी ने बताया कि यहाँ जोड़िया का बालू इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से क्या ये जोड़िया का बालू सरकारी काम में इस्तेमाल किया जाना उचित है? नहीं, जोड़िया का बालू सरकारी काम में इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, ये जो नदी का बालू है, नदी का बालू ही काम में इस्तेमाल में लाना चाहिए। आप उनसे सम्राट जो संवेदक है उनसे बैठ कर ग्रामीणों के साथ वार्ता होगा, उसके बाद उसका काम चालू होगा, बढ़िया से काम करना होगा, बढ़िया से काम होगा, ऐसे काम हम लोग ग्रामीण नहीं करने। और अभी तक जो काम किया जा चुका है उस पर क्या निर्णय लेंगे आप लोग? उस पर निर्णय लेंगे, देखिए आप सुनिए, आप मान लीजिए वो जो संवेदक है उनको आएंगे बुलाएंगे, वार्ता होगा, उसके बाद जनता जो निर्णय लेगा सबका सपोर्ट करिए सभी। यहाँ गार्डवेल का जो काम हो रहा है किस विभाग की ओर से हो रही है?
आरियो। क्या सही मायने में यह काम हो रही है? जी सर। फिर पब्लिक विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो नहीं मालूम है सर, जैसे पब्लिक जैसे बोले करने के लिए सर, वैसे तो हम काम कर रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि सड़ा हुआ पत्थर आप इसमें लगा रहे हैं, बालू भी आप जोड़िया का लगा रहे हैं, क्या एस्टीमेट में ये शामिल है? ये तो मालूम नहीं है सर, लेकिन जो है बालू फ्रेश है सर, और आपका काम भी बढ़िया हो रहा सर। फिर विरोध क्यों हो रहा है? अभी तो मालूम नहीं है सर, जैसे ग्रामीण बोले वैसे हम काम कर रहे हैं सर। ग्रामीण के कहने पर आप काम कर रहे हैं कि एस्टीमेट के हिसाब से? एस्टीमेट के हिसाब से काम कर रहे हैं सर। एस्टीमेट कहाँ है आपका? मेरा ऑफिस में है सर। वो ऑफिस में क्यों रहेगा? मेरा ठेकेदार साहब जो हैं उन्हीं के पास वो लेके आएंगे ऑफिस से। झारखंड सरकार का आदेश है कि कोई भी योजना पे अगर काम हो रही है तो वो पारदर्शी होना चाहिए। जी सर, पारदर्शी है सर। तो एस्टीमेट कहाँ है? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि पारदर्शी काम हो रही है? सर ये तो नजर आने वाला चीज है, सुरंगा में नहीं आया। तो नजर तो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो पत्थर है ये फ्रेश पत्थर और अच्छा पत्थर नहीं है सर, बीच बीच में आ जा रहा है सर। तो बीच बीच में अगर दीवार टूट जाए, जो वॉल आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, दुर्घटना होने का संभावना है कि नहीं, उसका जवाबदेही कौन होगा? दूर में अगर बाई चांस कोई बच्चा या कोई उस पर चढ़ता है, ग्रामीण क्षेत्र है जी सर, और वो धंस जाता है तो दुर्घटना हो ही सकता है, उसका जवाबदेही किसके ऊपर आएगा? नहीं सर, दुर्घटना हो नहीं सकता सर। बालू कहाँ का है आपका? बालू कौन है? जोड़िया का बालू। ये यहाँ से आता है जो पंचायत से ला के देता हूँ। कौन जोड़िया का है बालू? बेजड़ा का। जवाब नहीं है, क्या बात है, आप कैसे काम कर रहे हैं यहाँ? नहीं नहीं बोले, यहाँ पंचायत से आता है। लोग कुछ दिन पहले आए थे तो देख रहा था कि जो पक्का ये जो है ना पिच है, पिच के ऊपर ढलाई मर रहा था छाई। हम बोले कि पिच के ऊपर क्यों छाई मर रहा है? तो बोला कि नहीं, इस ऊपर ढलाई चढ़ रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग एक दिन आए कि भैया एस्टीमेट दिखाइए आपका, तो बोला कि एस्टीमेट काल ला देंगे। हम लोग चार पाँच आदमी थे, फिर हम लोग दूसरे दिन आया, बोला कि एस्टीमेट लाया, बोले एस्टीमेट नहीं है। तो फिर काम स्टार्ट किया, एक बार खड़ंजा स्टार्ट किया कि मैंने पत्थर गाथ रहा था खड़ंजा जैसे, तो उसमें सीमेंट का अंदर में कुछ सीमेंट उमेंट कुछ नहीं घुसा रहा था। हम एक दिन बोले कि भैया ये सब क्या कर रहे हैं आप? तो फिर बोला कि मुंशी जी को बोला कि इसको हटा दीजिए, बढ़िया से गाथिए। तो फिर गाथ रहा था, आज भी देख रहा है कि ऐसे तीन तीन रादा करके लगा रहे हैं, उसके बाद भी सीमेंट नहीं डलाया। हम बोले कितना भाग में दे रहा है? बोला कि 12 भाग में दे रहे हैं। हम बोले 12 भाग तो एस्टीमेट नहीं होना चाहिए, इसको तो 6 भाग में है या तो 7 भाग होगा, हम लोग को पता नहीं है। आपका बोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर बोर्ड है नहीं है। तो फिर उसको फिर पूछे, तो फिर हम लोग बुलाए, तो बाहर में था, वो फिर आया, उसको हम दिखाए। जैसे हम लोग दीवार में चढ़ के जा रहे हैं तो फिर घुस गया अंदर में, देखिए पैर। इसी तरह पत्थर भी देख रहा है कि एकदम सड़ा हुआ पत्थर दे रहा है। ये नदी का बाली तो है ही नहीं, जोड़िया का बाली कहाँ से उठा करके ले आए? यही सब हम लोग बोल रहे हैं, इसके बाद हम लोग आज आप लोग को बुलाए हैं कि देखिए हम लोग स्थानीय लोगों का जो बात है उसको नजरअंदाज करके ये काम किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा। जी जी, अब यहाँ समस्या ही में समस्या है, यहाँ बालू ठीक नहीं है, पत्थर सड़ा हुआ लगा रहा है, पत्थर लगा भी रहा है तो तीन रादा ऊपरा ऊपरी दे करके ऊपर से पोटिंग कर दे रहा है। इनको 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक इसको बोला गया, हम लोग रोज आ करके, हम लोग काम वाला आदमी है, हम लोग आकर के इनको बोले ठेकेदार को कि भाई आप काम ठीक से कीजिए, आप एस्टीमेट लाइए। हाँ देंगे, यही आश्वासन। आज तक एस्टीमेट आया नहीं, अब मनमोजी काम कर रहा है, कभी बंद करने से भी सुनता नहीं है। ग्रामीणों को क्या जानकारी है ये कहाँ तक निर्माण होगा सड़क और कितने की लागत की है? कुछ हम लोग ये मालूम है कि डांगापाड़ा से लेकर के हवाई अड्डा तक जाएगा। मतलब सर ये ठेकेदार द्वारा कोई जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी गई? इससे पहले भी रोड बनाया ठेकेदार, मनमोजी बना दिया, आगे जाकर के देखिए छाई गिरा दिया है रोड में, उसके ऊपर ढलाई कर दे रहा है। वहाँ चेक कीजिए, वहाँ भी आगे जो रोड बनाया है ऊपर छाई गिरा रहा है और ऊपर से ढलाई कर दे रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मनमोजी कर रहा है, उतना ढलाई एकदम संपूर्ण इसका एकदम मनमोजी है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। एस्टीमेट को लेकर आप बात की है, क्या बोला? बोला कि हाँ कल दे देंगे, फिर कल आए परसों दे देंगे, ऐसे करते करते आज तक लास्ट में हम लोग आकर के काम बंद किए। अभी भी बोल रहा है कि कल दे देंगे परसों दे देंगे, काम आज हम लोग बंद कर दिए कि आप एस्टीमेट लाइए, हम लोग एस्टीमेट दिखाइए, उसके बाद काम कीजिए। कितने की लागत से बन रहा है ये जानकारी? हम लोग को कोई कुछ मालूम नहीं, यानी एस्टीमेट आपको जानकारी नहीं दी गई? जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं है।